दोस्तों यहां देखिए, यहां एक मिक्स नंबर है। इस मिक्स नंबर के साथ दूसरा मिक्स नंबर कैसे हम जोड़ेंगे, और उस तरह नीचे देखो नंबर टू में ये एक मिक्स नंबर है, इस मिक्स नंबर से दूसरा मिक्स नंबर कैसे घटाएंगे, उस तरह नीचे देखो। और थ्री नंबर यहां मिक्स नंबर है, इस मिक्स नंबर के साथ दूसरा मिक्स नंबर कैसे गुणा करेंगे, उस तरह नीचे देखो। और नंबर फोर में ये मिक्स नंबर है और डिवाइडेड बाय और ये मिक्स नंबर, ये दो मिक्स नंबर के साथ हम कैसे भाग देंगे, इसके ऊपर आज का क्लास, जो कि एक कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको मैं समझाने के लिए जा रहा हूं, जो कि छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम आ जाए। तो दोस्तों मैं इस प्रकार वीडियो बनाने का मकसद यह है कि इस तरह गणित सारे बड़े बड़े गणित के साथ ताल्लुक रखता है, रिलेशन में आता है। अगर ये गणित जोड़ा करना, सब्ट्रैक्ट करना, गुणा करना, भाग देना अगर मालूम नहीं आएगा तो बड़ा बड़ा गणित में बहुत दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए सारे बच्चों को छोटे क्लास से शुरू करके उच्च क्लास तक सबको मालूम होना चाहिए। तो क्यों देर करेंगे, चलो शुरू कर देता हूँ। तो देखो यहाँ कंसेप्ट थोड़ा मालूम करो, ये टू है और ये वन है, मिक्स नंबर को हम पकड़ना है। ये टू तो टू लेना है, इसके बाद प्लस है, प्लस ले लिया, और ये वन है, वन लिया। ओके, इसको अलग कर दिया, और इसके बाद ये जो प्लस है प्लस लिया, और यहाँ देखो डिवीजन नंबर है, इसको भी हम अलग करना है, वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन सिक्स, इसको भी हमको अलग करना है। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, देखो टू प्लस वन जोड़ देंगे तो थ्री हो गया, और ये मतलब प्लस है ना, प्लस फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ। तो यहाँ हमको क्या करना है ये सोचने का बात है, थोड़ा सोचना है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम रखना है, देखो अगर 2 बाय 7 प्लस 3 बाय 7 है, समझ, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है सेम है, अगर सेम होगा डिनोमिनेटर तो हम दो में से एक ले जाएंगे 7, और 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे 5। ओके, और दूसरा लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, नीचे का सेम है ना, तो सेम अगर है तो नीचे का दो 5 से 5 में से एक 5 ले जाएंगे और 3 में से 2 को घटाएंगे, तो क्या है 1 हुआ। ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर अगर समझो, अगर यहाँ 2 रहेगा, देखो 2 तो ये सेम नहीं हुआ, तो क्या करना है इसको समझना जरूरी है। तो हमको क्या करना है, देखो इसको और इसको एक सेम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करने से कन्वर्ट हो जाएगा सेम नंबर, देखो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर नीचे का जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का भी उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 5 और नीचे यहाँ देखो 2 के साथ किया था, यहाँ 2 हो गया। तो हमको क्या करना है, देखो ये नीचे का क्या हुआ, देखो 5 टू जा 10, तो इसके बाद क्या साइन है, माइनस है। ओके, तो ऊपर का क्या है, 5 थ्री जा 15। ओके, और ये माइनस मार्क लिया, और इसके बाद 2 टू जा 4 और 5 टू जा 10, तो सेम हो गया, 10 10 सेम हो गया। तो दो 10 नंबर से हम एक 10 को ले जाएंगे और यहाँ 15 से 4 को घटाएंगे, तो 15 को 4 से घटाएंगे तो 11, तो ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया। उस तरह हमको यहाँ लागू करना है, ये कॉन्सेप्ट को यहाँ लागू करना है। तो आगे बढ़िए, देखो तो अब यहाँ क्या करना है, देखो अलग अलग नंबर सेम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ तो 6 है लेकिन इसको हम 6 बनाएंगे कैसे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब कर दिया तो ये क्या हो गया, देखो समझने के लिए देखो 2 वन जा 2 ओके प्लस इसके बाद यहाँ 2 है ना, 2 ले लिया डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो ये 6 है ना, 6 ये भी 6 है। ओके, तो 6 6 में से एक 6 लेना है तो एक 6 ले लिया, समझ में आया। तो इसके बाद ये 3 है ना, ये 3 फिर से यहाँ लेके आया और 2 प्लस 2 4 हो गया,
डिवाइडेड बाय ये 6 हो गया। ओके तो इसके बाद यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना है, क्या है देखो 3 + 4/6 हमको क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ 1 डाल देते हैं डिवाइड करके और 6 × 3 = 18 प्लस 1 × 4 = 4 और 6 × 1 = 6 ऐसा हमको करना पड़ता है ना। इस और इसके बाद क्या करना है 18 के साथ 4 जोड़ देते हैं तो 22/6 इस तरह हमको करना है ना। तो इसके ये नहीं ये करना नहीं करना है और आसान बात है देखो, अगर यहाँ देखो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ओके, तो ऊपर का अगर छोटा नंबर है नीचे नंबर से ऊपर का नंबर छोटा है तो हमको क्या करना है इस तरह 3 और 4/6 इस तरह लिखना है। अगर ऐसा होगा अगर 3 + 6/4 होगा नीचे नंबर का से नीचे नंबर में से ऊपर का अगर बड़ा नंबर होगा तो इसको ऐसा चुपकाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऊपर का छोटा होना चाहिए, ऊपर का छोटा नंबर होना चाहिए क्या डिनोमिनेटर से, ये बात ध्यान तो समझ में आ चुका होगा। लेकिन हम नंबर 2 में जाएंगे जो कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ देखो ये जो 3 और ये 2 है तो इसको अलग करना है 3 और इसके बाद माइनस है माइनस लिया और 2 इसको हम अलग करना है। ओके इसके बाद देखो डिवीजन नंबर को भी हमको अलग करना है 1/5 - 2/15 इसको भी हम अलग करना है। तो यहाँ देखो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और इसके बाद माइनस का साइन है और यहाँ हमको क्या करना है देखो यहाँ 15 है यहाँ 5 है तो ये 5 को कौन सा नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा 3 के साथ। ओके तो नीचे का अगर 3 के साथ किया तो ऊपर का भी हमको 3 के साथ गुणा करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट। तो अगर ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15 हो गया तो हमको मालूम आ गया सीधा हमको यहाँ और कुछ नहीं लिखना है 15 ले जाना है 15 से एक 15 लेना है और 3 × 1 = 3 3 में से 2 घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे लिख देंगे 3 - 2। ओके तो इसके बाद देखो ये 1 है 1 माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/15। ओके तो इसके बाद हमको क्या करना है देखो यहाँ कुछ नहीं करना है सीधा हमको क्या करना है 1 - 1 = 15 है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 1 = 15 देखो 15 × 1 = 15 माइनस 1 और 15 × 1 = 15 तो देखो 15 से 1 घटाएंगे तो 14/15। ओके समझ आ चुका होगा 14/15 आ गया। तो इसके बाद ये इसको मैं मिटा देता हूँ, हाँ हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो ले जाइए। तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों 3 और 4 कैसा होता है देखिए, तो यहाँ थोड़ा अलग होगा क्योंकि देखो यहाँ क्या करना है देखो 2 और 4 को हमको मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2 × 8 = 2 × 4 = 8 हो गया 8 और 1 = 8 होगा, ये क्या होगा 8 होगा तो 2 × 4 = 8 में 1 = 8 होगा तो 9 अपन ये 2 जो है 2 को 2 ही लेना है। तो इसके बाद ये क्या है मल्टीप्लाई का मार्क और यहाँ भी उस तरह ही करना है 6 × 3 = 18। ओके और इस 18 में ये 2 ऐड हो जाएगा 18 और 2 = 20 डिवाइडेड बाय ये 6 को 6 ले जाना है। ओके तो इसके बाद हमको क्या करना है देखो बहुत इजी है गुणा करना, तो देखो ये क्रॉस में हमको काटना है क्रॉस में, नहीं तो ऐसा भी हम काट सकते हैं जो जो कटेगा काटेंगे तो ऐसा भी हमको काटना है इजी से कट जाएंगे। देखो 3 का टेबल में 6 है 3 × 2 = 6 है तो 3 का टेबल में 9 है 3 × 3 = 9 है। ओके ऐसा ऑपोजिट ऊपर नीचे काट दिया तो और यहाँ भी देखो
टू का टेबल 20 है, ओके, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ओके। इसके बाद देखो 3, और ये मल्टीप्लाई का मार्क है, मल्टीप्लाई, और ये 10 डिवाइडेड बाय ये 1 into 2, ओके। तो इसके बाद 10 3 जा 30 और 2 1 जा 2, तो इसको हम क्या काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो 15 2 जा 30 आता है, ओके। तो इसका आंसर 15 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ क्या है, भाग देना है, कैसा है, यहाँ भी उस तरह ही हमको करना है, अलग नहीं, कुछ अलग नहीं। तो देखो 2 7 जा 14, ओके, यहाँ गुणा करना है, तो क्या है 14, और 14 जो आ गया, 14 के साथ ये 1 ऐड हो जाएगा, क्या हुआ ये 15 डिवाइडेड बाय ये जो 2 है, 2 ले गया। तो इसके बाद यहां देखिए, थोड़ा यहां भाग देने का मार्क ले लिया, और इसके बाद भी इसको भी हम क्या करना है, देखो 3 5 जा 15, ओके, और 15 के साथ ये 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या है 16 16 अपॉन 3, ओके। इसके बाद देखो इसको हम फिर से लिखेंगे 15 अपॉन 2, और तो यहाँ देखो यहाँ जो भाग देने का मार्क है ना, इसको हम क्या गुणा करने का मार्क लगाएंगे, क्या है ऐसा, ओके। तो इसके बाद ये जो 16 अपॉन 3 जो हुआ ये उल्टा हो जाएगा, क्या है उल्टा, तो 16 अपॉन 3 3 अपॉन 6 बन जाएगा, तो ये नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो मार्क था, जो भाग देने का मार्क, उसको हम चेंज कर दिया कि गुणा करने का मार्क में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये इसमें ऐसा हो जाता है, तो 16 अपॉन 3 3 अपॉन 6 में हो जाता है 3 अपॉन 6। अब देखो इसको हम ऐसा नहीं काट सकते, यहाँ जैसे हम काट लिया इस तरह नहीं काट सकते, क्यों काट नहीं सकते, तो 16 का टेबल में 15 है क्या, 15 का टेबल में 16 है क्या, नहीं है ना, तो हो सकता है 4 के द्वारा काटेंगे तो 4 तो कट जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, लेकिन उस 4 में को 15 कट जाता है, नहीं कटता, अगर 5 के साथ काटेंगे तो 5 3 जा 15 होता है, लेकिन 5 के साथ 16 नहीं कटता है, इस तरह यहाँ भी उस तरह ही होता है, इसलिए नहीं काट सकते। तो सीधा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 3 जा 45 और 16 2 जा 32, ये आ गया आंसर, ओके। हो सकता है आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं समझ आया तो पीछे बैक करके फिर से देख सकते हो, अच्छा से समझना चाहिए, क्यों, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो हो सकता है आप लोग मुझको माफ कर सकते हो, क्योंकि हिंदी बोलने से मेरा थोड़ा दिक्कत आ जाता है, हिंदी बोलना नहीं आता है, तो मैं इस थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, तो आगे और हिंदी में नया नया ट्रिक लेके आऊँगा। थैंक यू।